नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। रेप आरोपी को जेल से निकालकर सरेआम हत्या के चार दिन बाद पीड़ित लड़की ने पहली बार मुंह खोला। आज तक से खास बातचीत में रेप पीड़ित लड़की ने कहा है कि आरोपी ने चुप रहने के लिए उसे 5,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसने पैसे पुलिस को दे दिए और शिकायत दर्ज करा दी। लड़की ने बताया कि वो आरोपी को पहले से जानती थी, वो उसके पड़ोस में ही रहता था। ये तमाम बातें चार दिनों बाद आज तक से खास बातचीत में उस लड़की ने कही है और उसने साफ तौर पर कहा कि रेप पीड़ित लड़की ने साफ तौर पर कहा कि उस शख्स ने उसे 5,000 रुपए दिए थे कि वो चुप रहे और कुछ ना बोले। आज तक संवाददाता मनोज्ञ लोईवाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने ही पीड़ित लड़की से बातचीत की। क्या कुछ कहा उस लड़की ने, आइए सुनते हैं। Given the fact that there have been disturbed reports that there was a demand from money, I know it's a disturbing question also, but what is the truth if you could speak that out? That's totally a false allegation. That very night he gave me an amount of 5,000 rupees to let me keep silent, and he threatened me to kill and expose the entire incident to all. So I was afraid of my life. So I took the money and handed it over to the police the very morning. So it is totally a false allegation. Given the fact that there have been disturbed reports that there was a demand from money, I know it's a disturbing question also, but what is the truth if you could speak that out? That's totally a false allegation. That very night he gave me an amount of 5,000 rupees to let me keep silent, and he threatened me to kill and expose the entire incident to all. So I was afraid of my life. So I took the money and handed it over to the police the very morning. So it is totally a false allegation. कैदी को जेल से निकालकर बेरहमी से कत्ल किए जाने के चार दिन बाद भी दीमापुर में तनाव है। कर्फ्यू जारी है, बाजार बंद है, स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं। हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने SMS, व्हाट्सएप और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार वीडियो की पड़ताल कर रही है ताकि और गुनहगारों को पकड़ा जा सके। तो आपको बता दें, जो रेप पीड़ित है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, उसको भीड़ ने जेल से बाहर निकाला और उसके बाद पहले तो उस पर पत्थर मारे और उसके बाद उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया। और हमारे संवाददाता मनोज्ञ लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई है, जिन्होंने उस पीड़ित लड़की से बातचीत की है। मनोज्ञ, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये खामोशी, उस लड़की ने शुरुआत में कुछ भी नहीं कहा और अब जाकर उस लड़की ने आपसे बातचीत की है, और क्या कुछ बताया अपनी बातचीत में उस लड़की ने? जी, उस लड़की ने काफी सारी चीजें कही हैं। पहला कि उसे धमकाया गया था बलात्कार के बाद, लड़की को जब बार बार धमकी मिल रही थी तो उसके बाद उसने उसने कुछ पैसे लिए और उसके बाद जाके पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद भी उसे जब धमकियां मिलने लगी, उसके बाद पुलिस ने फिर एक्शन लिया और उसे, जो अक्यूज है, उसे अरेस्ट किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन ये जितनी भी हैं ये मॉब लिंचिंग से संबंधित हैं, जिसमें उस अक्यूज को जमकर लोगों ने पीटा, उसको सड़क पर घसीटा और कई घंटों तक पीटते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। सबसे उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस समय नागालैंड में पूरी तरह से परिस्थिति जो है वो अभी भी नियंत्रण में तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सामान्य नहीं हो पाई है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगले 48 घंटों तक पुलिस पूरी तरह से वेट एंड वॉच प्रक्रिया पर ध्यान रखेगी और उसी के बिना पर ये फैसला लेगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में कर्फ्यू कब हटाया जाए। तब तक कर्फ्यू लागू रहेगा, खासतौर से दीमापुर में। जी, ट्रेन में आने, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञ तमाम जानकारी के लिए। तो पीड़ित लड़की से बातचीत की मनोज्ञ हमारे संवाददाता ने, और उस लड़की ने साफ तौर पर कहा, पहले तो पैसे की बात की क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि शायद उस लड़की ने ही पैसे मांगे थे, लेकिन उस लड़की ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे पैसे दिए थे उस शख्स ने, आरोपी ने, रेपिस्ट ने, और मुझे ये कहा था कि तुम चुप रहना, इस पूरी घटना के बारे में कुछ नहीं बताना, लेकिन वो पैसे मैंने जा करके पुलिस को दे दिए। पीड़ित लड़की का यही बयान सामने आया है।
चार दिन के घटनाक्रम के बाद आपको बता दें फिलहाल जो स्थिति है दीमापुर में वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इसे देखते हुए पुलिस ने वहां पर इंटरनेट पूरी तरह से बैन कर दिया है, बंद कर दिया है इस्तेमाल के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली तस्वीर कर्फ्यू की है चार दिन बाद जो स्थिति है उसकी, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने इस वक्त जो वहां पर परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और क्या कुछ उन्होंने देखा और समझा, आइए आपको दिखाते हैं। दीमापुर के हत्याकांड में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें सभी कल्पेबल होमिसाइड से लेकर राइटिंग से लेकर हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी नागालैंड पुलिस ने की है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और सख्त हो जाएगी। इसके साथ साथ नागालैंड सरकार ने SMS, WhatsApp, Facebook इस तरह की सारी सुविधाएं, इंटरनेट से रिलेटेड सारी सुविधाओं को बंद कर दिया है। SMS नहीं जाएगा, लोगों में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ फोन कॉल ही किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से कई ऐसी बातें हैं जो नहीं फैलाई जाएंगी और जो पूरा प्रकरण है इस पर काफ़ी जल्दी काबू पाया जा सकेगा। फिलहाल 144 धारा लागू है और कर्फ्यू लागू है दीमापुर की सड़कों पर, जहां पर बहुत ही कम गाड़ियां दिखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में वे हर संभव प्रयास करेंगे कि जस्टिस मिले। कैमरामैन ललित जोशी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीमापुर, नागालैंड, आज तक।